हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में मिलने वाले तीन गेमिंग फोन के बारे में, जिनमें आप BGMI जैसा गेम, नियोस्टेट जैसा गेम या फिर COD जैसा गेम 60 FPS पर इजीली खेल पाएंगे। स्मूथ गेमिंग वाला फ़ोन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के हमारे लिस्ट पर तीसरे नंबर पर आता है टेक्नो पोवा 5G, जो कि दोस्तों आपको 15,000 के अंदर 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। MediaTek Dimensity 900 के साथ आपको देखने को मिलता है ये फोन। LPDDR5 का रैम देखने को मिलता है, बहुत ही फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है 120Hz का। साथ ही गेमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको BGMI जैसा गेम स्मूथ में स्ट्रीम लेवल पर खेल पाएंगे। साथ ही अगर आप HDR पे खेलते हैं तो अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेल पाएंगे। तो ग्राफिक्स आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलता है, ग्राफिक सेटिंग आपको हायर में देखने को मिल जाता है। गेमिंग आपको टॉप लेवल का होने वाला है, 120Hz का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोस्तों 6000mAh की बैटरी का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 18W का फास्ट चार्जिंग के साथ। डुअल कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा और 50MP का प्राइमरी सेंसर होगा, तो कैमरा भी आपको शानदार देखने को मिलता है। 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बेस्ट गेमिंग फोन रहने वाला है 15,000 के अंदर। वैसे दोस्तों गेमिंग के लिए 20,000 के अंदर बहुत सारा गेमिंग फोन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको Poco X3 Pro नहीं लेना है क्योंकि उसके मदरबोर्ड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और आपको गेमिंग तो अच्छा करवा देगा लेकिन बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, तो उस फोन को अवॉइड कीजिएगा। और चलिए बात करते हैं अगले फोन के बारे में, Infinix Zero 5G। ये फोन भी एक गेमिंग फोन रहने वाला है आज के लिस्ट में। इसमें आपको दोस्तों MediaTek Dimensity 900 देखने को मिलता है, LPDDR5 का रैम आपको इस फोन में भी देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ ही टच सैंपलिंग रेट आपको 240Hz का देखने को मिलता है, शानदार डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलता है। साथ ही बात करें गेमिंग के बारे में तो यहाँ पर आप 60 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे, स्मूथ में स्ट्रीम और HDR में आप अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेम खेल पाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर इस फोन के कैमरा के बारे में तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 48MP का प्राइमरी सेंसर होगा, साथ ही 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। कैमरा भी आपको बढ़िया इस फोन में देखने को मिलता है, तभी इस फोन का प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पर बैटरी के बारे में तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। सिंगल स्पीकर के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए बेस्ट रहने वाला है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, 18,000 के अंदर आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। और दोस्तों आज के हमारे टॉप पर है IQOO Z5, जो कि दोस्तों एक दमदार गेमिंग फोन है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलता है, प्रोसेसर आपको दमदार देखने को मिलता है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। 60 FPS पर आप आसानी से गेमिंग कर पाएंगे, स्ट्रीम लेवल आप इसमें खेल पाएंगे स्मूथ में, साथ ही HDR में आप अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, तो गेमिंग यहाँ पर और भी बेस्ट रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैटरी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस तो खास है ही इस फोन में, साथ ही कैमरा भी आपको बेस्ट देखने को मिलने वाला है, 64MP का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अगर आप 20,000 के अंदर एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे फोन हैं जिन्हें मैंने अवॉइड किया है आज की लिस्ट में। खैर दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेस्ट पसंद आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।